कि हमारे पास बहुत से केस ऐसे आए हैं जिसमें पूछा गया है कि हम क्या करें अभी, क्योंकि पत्नी मायके जाकर अपने घर जाकर बैठ गई, ना तो ये कहती है तलाक दूंगी और ना ये कहती है कि अब मैं वापस आऊंगी। तो ये बहुत ही दुविधा है क्योंकि कोई केस भी नहीं डाला है और कुछ भी नहीं कर रही है, तो मेरा भी बहुत नुकसान हो रहा है, मेंटली हरेशमेंट हो रहा हूँ, पैसा भी मेरा जा रहा है, मैं क्या करूँ। तो आज आपकी सारी दुविधाओं का समाधान लेके आए हैं, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम कौन सा कदम उठाएं। अब सबसे पहले तो आप अगर जाएंगे तो सामने आएगा सेक्शन 9, क्योंकि सेक्शन 9 के द्वारा लोग आपको बताएंगे, जिसके भी पास आप जाएंगे आप मेंटेनेंस बंद करवा सकते हैं उसका और उसको वापस भी बुला सकते हैं सेक्शन 9 के द्वारा, और उसको गलत भी साबित कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 9 डालेंगे तो हो सकता है वो अपने आप ही मना कर दे आने से, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आपने सेक्शन 9 डाला है तो केस लंबा भी खींच सकता है। हाँ, अगर आपके पास प्रूफ है तो ऑफकोर्स सेक्शन 9 आपकी मदद कर सकता है, लेकिन नहीं है तो आपको एक ऐसा केस बताएंगे जिसके अंतर्गत या तो आपकी पत्नी वापिस आएगी या तो तलाक दे देगी, यानी कि दोनों ही तरह से आपका फायदा होगा। कौन सा है वो केस, किस तरह से आपको डालना है, कहाँ डालना है, क्या क्या चाहिए उसमें, पूरी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस में आर्टिकल 226 पे आपको इसका प्रावधान मिल जाता है। अब इसमें है क्या, इसमें हैबियस कॉर्पस में है कि अगर कोई आपके प्रियजन का अपहरण करता है या उसको जबरदस्ती बंदी बनाता है, तो इसके एवज में सीआरपीसी का सेक्शन 97 आपको रास्ता दिखाता है और उसमें बताता है कि आर्टिकल 226 जो हैबियस कॉर्पस है वो सीआरपीसी के सेक्शन 97 से आप लागू करवा सकते हैं। अब इसकी कंप्लेन सीधा हाईकोर्ट में कराएं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पुलिस स्टेशन जाएं फिर हाईकोर्ट जाएं, लेकिन हाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देके आप सीधा हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस इजीली लग जाता है। अब मान लीजिए आपने ये चालू कर दिया है और उसके बाद भी जो लड़की के माता पिता है यानी कि आपके ससुराल वाले हैं वो लड़की को नहीं लेके आए, यानी कि अपनी आपकी जो पत्नी है उसको नहीं लेके आए, तो सबसे पहले तो सर्च वारंट निकलता है, उसके बाद भी नहीं लेके आए तो अरेस्ट वारंट भी इसमें निकल सकता है। अब पहला पॉइंट है, मान लो वो आ गई कोर्ट में, तो सबसे पहले तो वो अपने मम्मी पापा को बचाएगी और वो ये कहेगी कि मैं अपनी मर्जी से अपने मायके में रह रही हूँ और मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो इसमें भी आपका फायदा ही है क्योंकि डाइवोर्स इजीली हो जाएगा, क्योंकि अगर वो नोटिस में, क्योंकि ये सारा जो है रिकॉर्ड होता है उसका बयान, और वो इसमें रिकॉर्डिंग में खुद ही कह देती है कि मैं नहीं रहना चाहती, तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिल सकता है। अब मान लीजिए वो कह रही है कि वो आपके साथ आना चाहती है कोर्ट में आके, तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रूफ होता है कि उसके फादर और मदर यानी कि आपके ससुराल वाले उसको नहीं आने दे रहे थे, यानी कि अगर वो हाँ बोलेगी तब भी आपके फेवर में है और ना बोलेगी तब भी आपके फेवर में ही केस रहेगा। अब हैबियस कॉर्पस अगर फिनिश करवाना है तो क्या करवाना होगा, लड़की को एक्सेप्ट करना होगा कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने मर्जी से अपने मायके में रह रही थी, ये तो क्लियर हो जाएगा कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, और आपको डाइवोर्स का जो डे है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये सारा स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड होता है। अगर हाँ बोलती है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से घर वालों के पास रह रही हूँ, तो आपको कितना फायदा है क्योंकि अब आपका रास्ता खुल गया है, और अगर नहीं बोलती है कि मैं अपने जो घर वाले हैं उनके साथ अपनी मर्जी से नहीं रह रही हूँ, तो आपके ऊपर जितने केस लगाए गए हैं वो खारिज करने की परिस्थिति आ जाती है, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं रह रही थी, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं रहा था, उसके घर वालों ने उसको जबरन अपने पास रखा हुआ था, ये भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बन जाता है। तो आपको करना क्या है, जो भी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट होगा उसकी एक कॉपी लेनी है, और जो भी ऑर्डर हाईकोर्ट के द्वारा पास होंगे उसकी भी एक कॉपी अपने पास रख लेनी है। अब आप 13A लगा सकते हैं जिसमें वन साइडेड डाइवोर्स होता है, क्योंकि आपके पास क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं कि उन्होंने मना किया है आने के लिए, ठीक है, इस केस का पूरा ऑन रिकॉर्ड है आपके पास, सब कुछ है, जो ऑर्डर दिया है उसकी भी कॉपी है हाईकोर्ट की, तो आसानी से आपको डाइवोर्स मिल सकता है, हो सकता है 6-7 महीने लगे कि इजीली, लेकिन आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। इसी तरह से हमारा साथ दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा
जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब।